हरियाणा में पिछले 19 दिनों से एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं और कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर अब सरकार ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। अब कर्मचारियों को ड्यूटी पर लौटने की हिदायत दी जा रही है और इस बीच सरकार ने अब हड़ताल पर गए कर्मचारियों को बर्खास्त करना भी शुरू कर दिया है। मांग को लेकर सड़क पर मोर्चा डाले बैठे कर्मचारियों की अब सरकार के साथ तकरार बढ़ने लगी है। हरियाणा सरकार के खिलाफ पिछले 19 दिन से पूरे प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारियों ने मोर्चा खोला हुआ है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी कहीं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो कहीं खून से सरकार के नाम मांग पत्र लिख रहे हैं। कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े बैठे हैं और सरकार ये कह रही है कि एनएचएम कर्मचारियों की ये सभी मांगें नाजायज जो पूरी नहीं की जा सकती। ऐसे में सरकार और कर्मचारियों के बीच जो तकरार चली आ रही है उसका खामियाजा आम जनता और कर्मचारियों को ही भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल कर्मचारी हड़ताल खत्म करने को राजी नहीं है और सरकार अब कर्मचारियों पर सख्त हो चुकी है। और इसका आलम यह है कि सरकार ने पूरे प्रदेश भर में 2591 एनएचएम कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। कर्मचारियों का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक करीब 4000 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए हैं। सिरसा में अब तक 613 एनएचएम कर्मचारियों को सरकार बर्खास्त कर चुकी है। कुरुक्षेत्र में हड़ताल पर बैठे 509 में से 3 कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग ने गैर हाजिर मिलने पर 129 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। करनाल में भी 310 कर्मचारियों को सरकार बर्खास्त कर चुकी है। सरकार बार बार जातियां कर रही है, हाँ भर के मना कर रही है। बताओ इन कर्मचारियों को कसूर क्या है? अगर सरकार से समझौता होगा वो ठीक ढंग से लागू करे। अब वो जातियां करनी शुरू कर दी, भाई तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? हमारा भाईचारा कहाँ जाएगा? कर्मचारी सारा एक वर्ग है, हम सारे भाई भाई हैं, कहीं नहीं जाएंगे हम। और ये कहना कि रोडवेज के ड्राइवरों से बसें एम्बुलेंस चलवा देंगे बिल्कुल गलत है। अगर एम्बुलेंस सरकार ने जबरदस्ती चलाने की कोशिश की तो हम रोडवेज का चक्का जाम कर देंगे। क्या कहेंगे जो ये हड़ताल चल रही है और एम्बुलेंस नहीं है हॉस्पिटल में? सरकार ने लेकर इनका रूप समाधान करना चाहिए और जल्द से जल्द काम चाहिए, आम जनता दुखी ना हो। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर लोगों को? काफी लोगों को नुकसान हो रहा है, काफी दिक्कत आ रही है। एम्बुलेंस वगैरह नहीं, साधन नहीं मिलता, जाम भी ज्यादा लग रहा है, तो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ज्यादा ज्यादा किराया लग रहा है लोगों का, परेशान तो उठा ही रहे लोग। क्या मांग करते हैं सरकार से? ये कि जल्दी जल्दी इनका विचार सही किया जाए या मान ले कोई भी समस्या का समाधान किया जाए। धरने पर बैठे कर्मचारियों के अड़ियल रवैये को लेकर सरकार ने अब इनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एक तरफ सरकार कर्मचारियों को सुविधाएं गिनाते हुए उन्हें काम पर लौटने की अपील कर रही है, तो वहीं कर्मचारी ये साफ कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक कर्मचारी हड़ताल छोड़ काम पर वापस नहीं लौटेंगे। दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि सरकार उन्हें तत्काल प्रभाव से रेगुलर करे, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया जाए, पिछले कई महीने से जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला उन्हें वेतन दिया जाए, रिटायरमेंट की उम्र तक कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की भी मांग है। सरकार बार बार जातियां कर रही है, हाँ भर के मना कर रही है। बताओ इन कर्मचारियों को कसूर क्या है? अगर सरकार से समझौता होगा वो ठीक ढंग से लागू करे। अब वो जातियां करनी शुरू कर दी, भाई तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? हमारा भाईचारा कहाँ जाएगा? कर्मचारी सारा एक वर्ग है, हम सारे भाई भाई हैं, कहीं नहीं जाएंगे हम। और ये कहना कि रोडवेज के ड्राइवरों से बसें एम्बुलेंस चलवा देंगे बिल्कुल गलत है। अगर एम्बुलेंस सरकार ने जबरदस्ती चलाने की कोशिश की तो हम रोडवेज का चक्का जाम कर देंगे। तो कर्मचारियों की मांगों को लेकर बहराव सरकार के साफ कर चुकी है। उन्हें लिखी उनकी मांग कतई मिली नहीं की जा तब तक वो बातचीत करने के लिए तैयार कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज तो सीधा ये कहते हैं कि कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये केंद्र के प्रोजेक्ट में है। सरकार ये भी कहती है कि एनएचएम कर्मचारियों का मानदेय वो पहले से ही बढ़ा चुकी है। 11,272 अनुबंधित एनएचएम कर्मचारियों को औसतन 15,000 रुपए प्रति महीना मानदेय दिया जा रहा है। 1 जनवरी 2018 से सरकार ने सेवा नियम भी लागू कर दिए हैं। एनएचएम कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता और मकान किराया भी दिया जा रहा है। एक तरफ अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए कर्मचारी अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करने की बात कह चुकी है। सरकार अपना तर्क दे रही है और कर्मचारी सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप बढ़ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि 5 फरवरी का जो हड़ताल दिन जब तक उन्हें लिखित में कोई पत्र नहीं मिलेगा तब तक वो आगे कितने दिन करने के लिए तैयार नहीं है।
ये पूरा मामला है। सूरज धोन लिविंग इंडिया न्यूज संवाददाता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, ये गिनती अब 2591 हो चली है, बर्खास्त जो कर्मचारी किए गए हैं, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ मुश्किलात आप देख पा रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश भर में जो एनएचएम कर्मचारियों की लगातार जो हड़ताल चल रही है, उसके 17 दिन बीत जाने के बाद भी जो इसका जो मामला है गर्माता जा रहा है, क्योंकि जो एनएचएम कर्मचारी हड़ताल बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर और अपनी नौकरी को सुरक्षित करने में यहाँ पर नियमित करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार इनकी सुध नहीं लेनी, लेकिन सरकार ने कड़ा कदम जो उठाया है, लगातार एनएचएम कर्मचारियों को उनको हटा रही है, बर्खास्त कर रही है, लेकिन जो कर्मचारी है अपनी मांगों लेकर बैठे हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम पोल खोलो अभियान सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन लगातार हमारा जारी है और जो हड़ताल भी हमारी जारी है, तो जो उन्होंने ये भी दावा किया है कि कुछ कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो उनके अध्यक्ष थे उन्होंने यही बताया कि 2014 में जब यहाँ पर जो चुनाव होने वाले थे तो बीजेपी सरकार ने और खट्टर सरकार ने यही कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो उनको नियमित करने का बिल्कुल किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, लेकिन उन सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, धोखेबाजी की है और सरकार धोखे से बात कर रही है और अभी उसका बहिष्कार भी कर रहे हैं और लगातार फोन खोलो अभियान और खोलेंगे और लगातार जो चुनाव आ रहे हैं 2019 के लोकसभा के और विधानसभा के उसकी जो पूरी बहिष्कार भी आकर नजर आएंगे और लेकिन सरकार इन पर जो नियमित करने के लगातार करार रूप देते हुए लगातार इनको निकाल रही है, हालांकि इनकी संख्या 2025 से ऊपर हो गई है, लेकिन गुरुग्राम में देखा जाए, प्रदेश में देखा जाए। बिल्कुल सूरज, धन्यवाद आपका। रिहान रजा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एनएचएम प्रधान। सर, आपका वेलकम करता हूं। सर, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि गिनती अब ज्यादा बढ़ गई है 2591 सरकार के द्वारा इतने कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे सर? ये डाटा गलत है सर, 5000 से ज्यादा कर्मचारी टर्मिनेटेड है, ये गलत डाटा। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो सरकार एक तरफ से हठधर्मिता अपनाई जा रही है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। तो हमने भी तय कर लिया है कि हमारे जो साथी अनशन पर बैठे हैं उनका अनशन जारी रहेगा, हालांकि हमारे कई जिलों में जो साथी हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब भी हो गई थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से और विभाग की तरफ से कोई उनकी सुख लेने भी नहीं आया। हमें लगता है कि जैसे कि सरकार ना हमें भूल गई है कि हड़ताल पे छोड़ो, इनको छोड़ दो, ये वहीं पे बैठा बैठा मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने भी अब दूसरी रणनीति बना ली है कि या तो 24 तारीख तक मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें, नहीं तो 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करेंगे करनाल में। लेकिन दूसरी तरफ सरकार बात करने को तैयार नहीं है, ये जिद सरकार की तरफ से या फिर आपकी तरफ से है? हम तो बात करने के लिए तैयार है ना, बात करने के लिए मना कौन कर रहा है? हर धर्मिता सरकार की तरफ से हमारी तरफ से नहीं है, हमारी जायज मांग है, हमारी बिना पैसे की मांग है। हमारी मांग को डाइवर्ट करके अधिकारी लोग जो है सरकार तक पेश कर रहे हैं कि जी रेगुलाइजेशन की डिमांड कर रहे हैं, हमारी डिमांड रेगुलाइजेशन की नहीं है, हमारी डिमांड नियमितीकरण की नहीं है, हमारी डिमांड जॉब सिक्योरिटी की। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हर साल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा रिन्यू होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के नाम पर हमारा शोषण होता है, आर्थिक शारीरिक और मानसिक शोषण होता है, उस शोषण को बंद करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म किया जाए और जो कर्मचारी 18 और 20 साल से काम कर रहा है, जो 42 साल 45 साल 50 साल की उम्र पार कर चुका है, अब उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके परिवार क्या होगा, उसका खुद का भविष्य का क्या होगा? लेकिन सर, आपको लगता कि अगर आप पोल खोल अभियान भी शुरू करेंगे, सरकार के साथ बातचीत करना आसान नहीं होने वाला? देखिए, अगर मुख्यमंत्री चाहे, मंशा होनी चाहिए बात करने की, चटकती होनी चाहिए बात करने की, क्योंकि स्वास्थ्य जो है पूरी तरीके से बाधित है, जो अंदर जो ड्राइवर है ड्राइवर्स के हाथ में एम्बुलेंस थमा दी गई है, जिनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, जो कि जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, कोई बड़ा हादसा होने वाला है, अनट्रेंड को हॉस्पिटल के अंदर लगा दिया गया है, टीकाकरण पर लगा दिया गया है और डिलीवरी कराने के लिए लगा दिया गया है, बहुत सारी चीजें हैं जो खुलकर सामने नहीं आ रही है। अंदर की बात यह है कि बहुत ज्यादा नुकसान जनता का हो रहा है और जान लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी हड़ताल ना जायज है, हमारी मांगे ना जायज है। ठीक है, अगर सरकार ने फिर भी आगे रणनीति जो भी आपकी रहेगी, घेराव की स्थिति आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बात ना बन बैठी, तो ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा सर? जी, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, हम प्रदर्शन पर रहेंगे जब तक सरकार मांगे नहीं माने। धन्यवाद आपका। फिलहाल तो सीएम सिटी में आंकड़ा है 310 का, जब एनएचएम कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है, लेकिन पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 2591 ये गिनती बैठी हुई है जहाँ कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है।
तो एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल आप देख रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल इन्होंने कर रखा है। साथ में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, तत्काल प्रभाव से पक्का किया जाए, अनेक ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम सिटी में अकेले 310 जो कर्मचारी हैं वो बर्खास्त किए गए हैं, यानी कि सेवाएं इनकी ख़त्म कर दी गई हैं। और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो 2,591 ये आंकड़ा बैठता है। और एनएचएम कर्मचारियों का यह हल्ला बोल लगातार जारी है।